अमुहा देउळ भितरे बंदी थाई रांगा बड़ व्यस्तरे दिन काटू थाए। सात दिन भितरु छह दिन पारी होगलाणी या भितरे हेले ए पर्यंत ना बणीर देखा मिलला ना मूषार। राति पाहिले सात दिनर बायदा पूरी जीव आ राजसभार जदि रांगा न पहुँची पारिब ताले सौराष्ट्र देशर राजा पुओ राजकुमारी चंद्रिका को बाहा हेब। ए कथा चिंता कला बेलकु रांगार मुंड भितरटा जमी बुलेई देला। से मने मने भाविला चारि दिन भितरे जोटी बणी आ मूषा फेरिक आसी पारिले नाही सेठी रातिक भितरे सेमाने आउ कोबा फेरिक आसी पारिबे ना रांगा आउ अमहा देवळरु मुक्ति पाई राजसभा को आसी पारिब। मने मने ढेर कांदिला रांगा ढेर मुंड बाड़ेला मंदिर कांथेरे सी जीवन रे प्रथम थर पाई ता निज जीवन प्रति घृणा आसला रांगार। हेले उपाय बा कौन मणि तो एबे राजा पुअर पार्टी भितरे राजा पुअर महल भितरे थाई मूषा राजा पुअर मुह को सेमती चाहिकी बसथाए। कौन कले राजा पुअ जीभ तले लुचे रखिथिबा मणि को से आनी पारिब सेई कथा मने मने केते उपाय चिंता करी भाबू थाए। से भाविला सोइथिबा बेले राजा पुअ को गोटे हाई आसंता किहेले किंतु ना राजा पुअ सेमती सोइथाए। भाविला राजा पुअ कड़माड़ी पार्टी आँ करी सोंता किहेले किंतु ना राजा पुअ सेमती पार्टी बंद करी चीते ही सोइथाए। तेणु कौन करिव कौन नाई हे मूषा आउ आखिर पता पकाउ न थाए सेमती चाहिकी बसिथाए से राजा पुअर मुह को। एपटे राति सारा आखिर पता पकाउ न थाए बणी तार एवं रांगा पाई जी चिंता न थाए ताठू अधिक चिंता लगुथाए मूषा कथा भाविक्री। से मने मने भाबुथाए बिचरा निरीह जीव हूँ मूषा ता रास्तार सी थिला आमको साहाज्य करिवार मनोवृत्ति नहीं कि आसला जे तार ए पर्यंत किछि भी खोज खबर नाही बिचरा मल्ला कि बंचिला किछि जानि हेलानी मध्यो। तथापि बणीर आशा थाए कि मूषा निश्चय बंचीचे काहेकि ना जदि मूषा मरी थांता ताले तो सैनिक माने ताकु बाहर को फोपाड़िया पई आनी थांते किंतु ना सेंति किछि भी बणी देखिनी ता माने मूषा बंचीचे सेथिपई पूरा सतर्क नजर रखिकरी चाहिकि रही थाए बणी। महल चारिपाखरे सी सेमती जाग्रत पहरी भली पैंतरा मारुथाए। एणे शोइ नथांती राजकुमारी चंद्रिका रांगा पई तांको मन भितरटा जेमती छटपट होउथाए। मने मने भाबुथांती बिचरा रांगा षडयंत्रर शिकार होइ अमुहा देउळ भितरे बंदी होइ जेमती जीवन चली न जाऊ तार। एपटे मूषा सेमती चाहिकरी बसी थाए राजा पुअर मुह को। मात्र राजा पुअ सेमती मणि को जीभ तले रखिकी निदरे सोई जाय थाए। तेणु बाट न पाई शेषे मूषा भाविला मल्ले पछे मरिबी किंतु राजा पुअ पाखरु मणि केमिते हासिल करिबी सेई बाट करिबी। एया भावी आउ अपेक्षा नकरी मूषा चढ़ला राजा पुअर खट उपरकु धीरे धीरे जाकि साहस करी राजा पुअर कान रे ता निशकु पुरै खड़खड़ कला मूषा। मात्र राजा पुअ कान सलसल करी पुणी सोई पड़ला। राजा पुअर चुट्टी कुटाणिला मूषा। मात्र राजा पुअ निदरे थाई हाथ रे चुट्टी को सजाड़ी दे पुणी सोई पड़ला। शेषरे मूषा कौन कला आउ बाट न पाई सीधा जाए राजा पुअर नाक लांजटा को पुरैदेला। भाविला राजा पुअर नाक लांज को पुरैदेले राजा पुअ को निश्चय छिंक आसव आंकब राजा पुअ छिंकिला मात्रे मणि निश्चय बाहर को बाहरी पड़ किंतु राजा पुअ को तो जोरे निद हो जाए। एपटे कान सलसल आ चुट्टी को टाणी जो सी विरक्त हो जाए। तेणु जमती मूषा ता लांज को राजा पुअर नाक पुरैदी राजा पुअ थिला थिला विरक्ति रे हाथ रे ताकु छिंचाड़ी देला जे मूषा छिटकी जाकि खंडे दूर रे पड़िला। एते जोर रे पड़िला जे चारि दिग अंधार देखागला ताकु मरु मरु बंचिक रहिला से। एथर ताकु भारी जोर रे राग लागला आउ आग पछ किछि चिंता न करी शेषरे भाविला
कि मले मरिबी पछे राजा पोकु पाने देकी मरिबी एया कही रागरे जाई राजा पोर डाहाण गोडर बुढ़ा अंगुठी को जोर करी पुळे चोबै देला। एते जोर रे से चोबैला जे राजा पो आउच कही जेतेबेले सीधा उठिकी बसी पड़िला तो जोरे चित्कार करिवे जोगु ता पाटीरु मणि दि छिटकी जाकि तले पड़िला। मूसा तो जगिकि थिला जेमती मणि तले पड़िला सांगे सांगे से मणिटी को पाटीरे धरी राजा पुओ हाँ हाँ कहू कहू चुटकिना मूसा जाकि गात भितर पशिगला। सी तो तीन दिन है महल भितर थी राजा पुओ उपरे नजर रखिवा सांगे सांगे फुर्सत समय महल भितर को बाहर को आसवापी गात खोली चली एवे से गात बाट दे मूसा मणिटी को धरी सांगे सांगे बाहर को बाहरी आसला। बणी तो सेपटे मन पवन डंगा धरिकी जगिकी बसी जेमती मूसा को देखला सांगे सांगे बणी ताकु पिठी बसई मन पवन डंगे बसी मारला डिया। चाहू चाहू से माने राति को भितरे सात समुद्र तेर नई डे जा पहुँचीगले महासमुद्र भितर थिबा अमुआ देउला पाखरे। मन पवन डंगार सु सु शब्द शुणी रांगार निद चाऊ किना भांगीगला। आखि ठिया ठिया करी जेतेबेले से चाहिला तो बाहर पटु बणीर पाटी शुणिला। बणी खुशी रे पागलंग भली पाटी करी कहिला रांगा आउ चिंता नाही मणि नेके आमे आसीगलु एबे तू अमुहा देउल भितरु मुक्ति पाई शीघ्र मुक्तापुरी को जीवाकु प्रस्तुत हो। एया कहि सेमाने मणिटी को धरी जेमती आसी मंदिर सामने ठिया हेले तो चाहू चाहू मंदिर कांथरे गोटे सुंदर द्वार ही कबाट खोलीगला। रांगा मूसा बणी समस्ते परस्पर को देखिले खुशी रे रांगा बणी आ मूसा को कुंडे पकेला आखिरु तार बही आसला खुशी लुह कहला बणी तो भली बंधु मु मो जीवन रे केबे पाइनी कि आउ पाइबिनी मध्य तो जोगु मु आज नुआ जीवन पाइली। बणी कहला धन्यवाद दबार अच्छी तो मूसा को दे धन्यवाद रांगा कहीं सीए ही ता जीवन को बाजी लगे राजा पुओ पाखुरु ए मणि आनी। रांगा कहला मूसा कौ भाषा मु तते मोर कृतज्ञता जनईबी मु जानी परुनी आज तू मोर मित हेलु मुदि भविष्य केवे राजकुमारी चंद्रिका को बाहा है मुक्तापुरी रो राजा हुए ताहले तू मोर अंगरक्षक हबु। एया कही मूसा को धरी रांगा गालरे लगे चुमा देला। बणी कहला रांगा आउ डेरी करी लाभ कौन आमे एवे एठु जेते शीघ्र पारिबा बाहरी जिबा। एई कथा आलोचना करी तीन जन जाक जेते मंदिर भितर बाहर को आसिले तो ठीक एतिके बेलकु हठात देउळ भितर नागमातांकर स्वर शुणागला। नागमाता कहिले रांगा ए अमुहा देउळ भितर तू मुक्ति पाइबा सांगे सांगे आज तू मते मध्य मुक्ति देलु आज महादेवंक अभिशापरु मुक्ति पाइली मु सेथिपई तम मानंक उपरे मु बहुत खुशी किंतु ए खुशी भितरे भी तम मानंक पई गोटाए दुखर खबर अच्छी आउ से दुख खबर हैला मोर सहस्र नागमणीर प्रभाव जोगु तमरे नागमणीर शक्ति लोप पाई जाइछि आउ ता सांगे सांगे ए मणि द्वारा करा जाइथिबा समस्त चमत्कार मध्य लोप पाई जाइछि। आजिठु ए नागमणी आउ मणि नुह केवल गोटाए काच गोलक मात्र। रांगा पाखरे थिबा नागमणीर प्रभाव लोप पाइगला। जो नागमणी पाखरु एते साहाज्य पाउथला रांगा एबे से मणि बिना आग को केमति राजा पुओ को हर बसे मणि मध्य हर सारी सौराष्ट्र देशर राजा पुओ आग को कौन कर बसे केमिति सामना कर बसे रांगा को जेतेबेले रांगा आसी पहुँचब मुक्तापुरी रे कौन हेब राजकुमारी चंद्रिका भविष्य किए बाहाबू ना दी जनक विवाद भितर तृतीय जनक फायदा उठेला भली राजकुमारी चंद्रिका शेषे पड़े ब्रह्मराक्षस हाबुड़े।
एसबुर उत्तर जानापी देखु मन छुआ कहानी प्रस्तुत आपर प्रिय धारावाहिक माकड़ ब्रह्म राक्षस 48 अध्याय। जय श्रीराम।